हेलो एवरीवन नाउ यू नो वेरी वेल कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और हम क्यों करते हैं तो वैसे ही जैसे हमने लास्ट एक ग्राफ देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ वैसे ही आज हमें देखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या क्या बताता है ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे और ये ग्राफ जो है किस किस टाइप के हो सकते हैं मतलब क्या ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहेगा या फिर ये हमेशा एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल में ही रहने वाला है या ये भी एग्जैक्ट मैनर में आ सकता है और अगर ये इतने सारे अपनी फॉर्म्स को चेंज करता भी है तो ये क्या क्या चीजें मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं है, कुछ कुछ इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, था उससे, कोई रिजल्ट ऐसा आना चाहिए था जिसकी हमें रिक्वायरमेंट हो तो इसको भी हम पढ़ेंगे तो उससे हमें कोई ना कोई रिजल्ट जरूर मिलने वाला है सो आई लव इना कमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को जो कि है बाद में आपके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा जो आपको इस चैप्टर के अंदर थ्री इक्वेशंस पढ़नी है वो पढ़ना आपके लिए बहुत इजी होने वाला है अगर आप आपने ग्राफ को बहुत अच्छे से समझ लेते हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है वेलॉसिटी और टाइम के बीच का कोई रिलेशन होगा सिंपल सी चीज है हम ग्राफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते ही क्यों है तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि डेटा को ईजी बनाने के लिए कर देते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा को पढ़ने से बेटर होता है ना कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसको देख ले तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि ठीक है ना कोई चीज इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है क्या हो रहा है ये सारी चीजें हमें ईजिली समझ में आ जाएगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ठीक है सो वेलॉसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या होगा कि वेलॉसिटी और टाइम के बीच का कोई रिलेशन है कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो भी उसकी वेलॉसिटीज है उनके बीच में हम रिलेशन बना रहे हैं उसी को हम क्या कह देंगे उसी को हम कह देते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो आपके एनसीईआरटी के, के अंदर इतने सारे ग्राफ्स गिवन बने कि आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो ऐसा भी हो सकता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ki, ये भी हो सकता है और आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो इस टाइप का भी हो सकता है अब ये कौन कौन से टाइप होता है एक और टाइप का होता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि है ये ये भी पॉसिबल है अब ये तीनों ग्राफ आपको क्या बता रहे हैं देखो यहां पर ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि वेलोसिटी जो है जीरो पे अगर हमने देखा था तो हमारी वेलोसिटी कितनी थी ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड थी लेकिन जब हमने वन सेकेंड पे चेक किया तो हमारी वेलोसिटी वेलोसिटी कितनी आ आ आ गई uh, seven, 16, 17 आ गई 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 हमारी के आसपास डिक्रीज हो अब जब हमने सेकेंड सेकेंड पे देखा मतलब टू सेकेंड के बाद जब हमने उसको चेक किया तो हमारी वेलोसिटी कितनी आ गई है अब हमारी वेलोसिटी आ गई है फोर्टीन मीटर पर सेकेंड फोर्टीन मीटर पर सेकेंड फिर डिक्रीज हो गई आगे आ जाओ और तीसरे सेकंड पे आ जाओ फिर डिक्रीज हो रही है चौथे सेकंड पे देख लो फिर हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी और लास्ट में जाके क्या हो गया सिक्स सेकंड के बाद में जीरो हो गई हमारी वेलोसिटी तो ये वेलोसिटी का कौन सा ग्राफ है ये डिक्रीज का ग्राफ है वेलासिटी यहाँ पे क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है अब वेलॉसिटी और टाइम से हम दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं कौन कौन सी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं तो देखो वेलॉसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन हमें और क्या क्या याद दिलाता है तो वेलासिटी का एक फॉर्मूला होता है डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो डिस्प्लेसमेंट क्या हम इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते अगर हमारे पास वेलोसिटी है अगर हमारे पास टाइम है तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते बिल्कुल कर सकते और क्या कर सकते तो एक फॉर्मूला होता है वी माइनस यू अपॉन ये भी तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन ही तो है इसका मतलब इससे हम और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा एक्सेलरेशन अब ग्राफ को देखकर आपको यह समझना है कि कब हमारा एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होता है कब हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है कब हमारा एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो यह हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सारी चीजें अभी हमें देखनी है सो so, देखो सेकेंड ग्राफ हमें क्या बता रहा है सेकेंड ग्राफ हमें ये बता रहा है यहाँ पर देखो क्या था वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी इस ग्राफ में क्या बताया गया है तो इस ग्राफ में देखो क्या हो रहा है कि जब जैसे ही आप टाइम को इंक्रीज कर रहे हो वैसे कभी हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कभी हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो गई फिर डिक्रीज हो गई तो ये तो एक्जैक्ट मैनर में आ गई हमारी वेलोसिटी इसका मतलब है ये कौन सा ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है यूनिफॉर्म का ग्राफ है तो ये है हमारे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है क्यों क्योंकि यहाँ पर वेलासिटी का जो चेंज है वो यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है वेलासिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रही है ये कभी इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है तो ये यूनिफॉर्मली तो है नहीं चलिए नेक्स्ट वन इज दिस ग्राफ ये क्या है ये यूनिफॉर्म एक्सेलेशन का ग्राफ है क्यों है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ तो यहां पर देखो एक पर्टिकुलर जो हमने यहाँ पे फाइव सेकेंड्स में चेक किया तो हमें पता चला कि भाई इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है टेन मीटर पर सेकेंड टेन किलोमीटर पर आर है जब हमने इसको फाइव सेकेंड पे भी चेक किया तो हमारी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी वो थी टेन किलोमीटर पर आर जब हमने चेक किया टेन सेकेंड पे तो ये हो गई अप्रॉक्स एटीन किलोमीटर पर आर जब हमने इसको चेक किया 15 पे तो 15 पे ये कितनी हो गई देखो 15 पे ये कितनी हो रही है 30 किलोमीटर पर आर की हो गई है और एक यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है हर एक फाइव सेकंड के बाद में ये टेन टेन किलोमीटर पर आर की स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन भी यहाँ पर क्या हो रहा है इंक्रीज होगा सॉरी एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा और वो पॉजिटिव रहेगा ठीक है एक्सेलरेशन यहाँ यूनिफॉर्म होगा

एंड यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पर टाइम क्यों ले रहे हैं या एक्स एक्सेस पे हमने टाइम क्यों लिया है बिकॉज टाइम जो है वो डिपेंड इंडिपेंडेंट क्वान्टिटी है टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है ये डिस्टेंस वेलोसिटी uh, के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती है वेलोसिटी चेंज हो ना हो लेकिन टाइम जरूर चेंज होने वाला है चलिए सो so, यहाँ पर क्या आ जाएगा टाइम आएगा जो किस में आने वाला है आर्स में आने वाला है यहां इस एक्सिस पे क्या होगा यहां पर हो गया है वेलोसिटी यहां आएगी आपकी वेलोसिटी अब जो ये वेलोसिटी है देखो कितनी है ये फोर्टी है तो वेलोसिटी में यहां ले, ले लेती हूँ फोर्टी टाइम है जीरो है यहां पे हो गया वन आर यहां हो गया टू आर यहां हो गया थ्री आर यहाँ हो गया फोर अब आर अब वेलोसिटी देख लो फोर्टी किलोमीटर पर आ रहा है तो वेलोसिटी देखो जीरो पर भी फोर्टी किलोमीटर पर आ रती वन आर में भी फोर्टी किलोमीटर पर आ रहा है टू आर पे भी क्या है फोर्टी किलोमीटर पर आ रहा है थ्री आर पे भी क्या है फोर्टी किलोमीटर पर आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया जब हम सबको ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने पर हमें क्या मिलेगा एक ऐसा एक ऐसी लाइन मिलेगी जो कि एक्सिस एक्सिस के है। एक के है है ठीक पैरेलल लाइन है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है और अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा जीरो बिकॉज वहां पर चेंज इन वेलोसिटी तो है ही नहीं वेलोसिटी तो चेंज हुई ही नहीं है बिल्कुल भी और हम क्या कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारी क्या होती है एक्सेलरेशन होता है और वही एक्सेलरेशन अगर मैं बात करूँ वी माइनस यू अपॉन टी तो कहीं भी आप अगर वेलोसिटी को लेंगे तो वो हमेशा फोर्टी रहेगी तो यहाँ कर दो माइनस फाइनल भी फोर्टी है इनिशियल भी फोर्टी है डिवाइड हो जाएगा आपका टाइम अब टाइम भले आप टू सेकेंड में चेक करो चाहे फोर सेकेंड चाहे फाइव सेकेंड में आप चेक कर लो आंसर विल बी जीरो इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया जीरो हो गया ठीक है

यहाँ पर फिर से क्या होगा वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ ऊपर की तरफ टाइम आ जाएगा नीचे एक्स एक्सिस पर आ गया ओरिजिन हमारा दैट इज जीरो नाउ एवरी के बाद हमारी जो वेलोसिटी है देखो चेंज हो रही है वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन कितनी कितनी ट्वेंटी 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 मतलब सिमिलर है ट्वेंटी किलोमीटर पर आर इंक्रीज हो रही है ये यह, यहाँ हो गया फोर्टी ये हो गया सिक्सटीन एटी एंड वन हंड्रेड

एक्सेलेशन uh, कौन सा है यूनिफॉर्म एक्सेलेशन है क्यों है यूनिफॉर्म एक्सेलेशन बिकॉज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है हमारे पास में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उस टाइम पीरियड के अंदर क्या हो रहा है उसी टाइम पीरियड के अंदर इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज इन इक्वल वेलोसिटी इक्वल वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है हर बार इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ऐसा नहीं है कि एक बार अगर टेन किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी uh, इंक्रीज हो गई सेकेंड टाइम पे ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर की स्पीड वेलोसिटी uh, जो है वो इंक्रीज होगी बिल्कुल नहीं हमेशा ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी देखो इंक्रीज हो रही है इसका मतलब ये क्या हो गया ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेरेशन का ग्राफ है अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना भी है तो फिर कैसे होगा तो सिंपल है वी माइनस यू ओ टी हो जाएगा अब देखो वी माइनस यू ओ टी कैसे होगा यहां पर अगर मैं देखू मेरी इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं इस पॉइंट इस पॉइंट के इस पॉइंट के बीच के अंदर देख रही हूँ तो मेरी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40. इसका मतलब दोनों को क्या कर दो माइनस कर दो सिक्सटी माइनस फोर्टी अपॉन टाइम देख लो टाइम यहाँ पे क्या था थ्री और यहां पर था टू माइनस करके देख लो आंसर क्या आ जाएगा वन दैट मीन्स ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक ठीक है, है। है। है, कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई चलिए, के लिए ग्राफ भी हमारा कैसा होना होना चाहिए, चाहिए, कैसे होगा तो देखो अगेन हो गई वेलोसिटी यहां पर हो गया हमारा टाइम यह हमारा ओरिजिन टाइम अगेन वही है वन आर टू आर थ्री आर एंड फोर आर वेलोसिटी ले लो जीरो तो पर मैं ले, ले लेती हूँ टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी देखो ये जो आपकी स्केल है ये आपको अपने अकॉर्डिंग लेनी है कि आपके पास किस तरह से आपके पास ग्राफ है कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी स्केल लेनी है ठीक है देखो जीरो पर तो वेलोसिटी क्या हो गई जीरो हो गई तो मतलब यही वाला पॉइंट हो गया हमारा अब वन आर के बाद देखो फाइव हो गई वेलोसिटी हमारी वन आर के बाद देखो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी फाइव देन टू आर के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई देखो ट्वेंटी फाइव टू आर के बाद हो गई है ट्वेंटी फाइव थ्री आर के बाद ये हो गई है सिक्सटी थ्री आर के बाद ये हो गई है सिक्सटी फोर आर के बाद ये हो गई है एट्टी अब इनको ज्वाइन करके देख लो क्या ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो चेक कर लो क्या ये स्ट्रेट लाइन बनी बिल्कुल नहीं बनी ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है इसका मतलब क्या होगा अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है इसका मतलब है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली चेंज नहीं हो रही है इक्वली इंक्रीज नहीं हो रही है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कैसा होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा भले ही एक्सेलरेशन आपको पॉजिटिव है बिकॉज वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है एक्सेलेशन भी क्या होगा एक्सेलेशन uh, जो है वो भी पॉजिटिव रहेगा लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स ये एक्सेलरेशन कैसा होगा नॉन यूनिफॉर्म हम तो जब हमारी इनिशियल मीटर पर सेकेंड देन हमारी एक और वेलासिटी आ गई थी वन मीटर पर सेकेंड आफ्टर वन सेकेंड उसके बाद हमने देखा था उसी कार की जो वेलोसिटी थी वो फाइव मीटर पर सेकेंड हो गई थी आफ्टर वन सेकेंड एवरी सेकेंड के बाद में तो यहां पर जो एक्सेलरेशन आया था इन दोनों के मिड का वो क्या आया था वी माइनस यू अपॉन टी दैट इज वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इन दोनों के मिड का एक्सेलरेशन क्या आया था तो वो आया था हमारा फाइव माइनस वन अपॉन वन इज इक्वल टू फोर मीटर पर सेकेंड इसका मतलब तो कि देखो क्या हो रहा था भले ही वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है लेकिन ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रही थी इसलिए हमारा जो एक्सेलरेशन था वो भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हुआ वो भी चेंज है वो भी वेरी कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेरेशन बिल्कुल भी नहीं है दैट दैट इट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई है चलिए अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे तो देखो जब भी हमें कहा जाता है कि इन टू पॉइंट से बताना सपोज मुझे इन टू दो पॉइंट से बताना है कि आपका एक्सेलरेशन क्या होने वाला है तो फॉर्मूला क्या होगा देखो यहाँ और यहाँ के बीच में बताना है कि हमारा एक्सेरेशन क्या होगा ठीक है तो यहाँ से इनको ज्वाइन कर लो ये टू है यहां पर देखो क्या आया था ट्वेंटी फाइव था, था। यहाँ से भी नीचे ज्वाइन करो इसको ये थ्री सेकेंड्स आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है सिक्सटी अब यहाँ पर चेक कर लो v क्या है हमारा u क्या है तो देखो इस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो कितनी थी वो ट्वेंटी फाइव थी इस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो कितनी है सिक्सटी मीटर पर सेकेंड है और सिक्सटी किलोमीटर पर आ रहा है ठीक है तो वेलोसिटी में देखो चेंज हो गया ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई यह हमारी हो गई है फाइनल वेलोसिटी तो वी आ गया आपका सिक्सटी और यू आ गया आपका ट्वेंटी फाइव नाउ टाइम कितना आ जाएगा तो टाइम देखो हमने शुरू यहाँ से किया है यहाँ पे खत्म किया तो माइनस करके चेक कर लो थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा टाइम हो जाएगा इट विल बी वन आवर अब आप फाइंड आउट कर सकते हो आपका ए ठीक है चलिए नाउ

जब वेलोसिटी जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज होगी तब क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा नाउ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है इक्वली इंक्रीज नहीं हो रही है नॉन यूनिफॉर्मली हो रही है अनईक्वली इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कि ए अगर पॉजिटिव तो है लेकिन ये एक्सेलरेशन कौन सा है नॉन यूनिफॉर्म है किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आप एक्सलेशन देखोगे तो हमेशा वो एक्सेरेशन डिफरेंट डिफरेंट आएगा यहाँ पर हमेशा एक्सलेशन क्या आएगा सेम आएगा लेकिन यहाँ पर क्या आएगा डिफरेंट डिफरेंट आएगा ठीक है नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन रिटार्डेशन का मतलब क्या था रिटार्डेशन का मतलब था कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है अब वेलोसिटी डिक्रीज अगेन देखो पर्टिकुलर एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली ये डिक्रीज नहीं हो रही है यूनिफॉर्मली डिक्रीज नहीं हो रही है इसका मतलब क्या होगा एक्सेलरेशन जो है रिटार्डेशन में आता तो नेगेटिव है लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है इसमें भी वही है कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर आप रिटार्डेशन चेक करेंगे तो आपको हमेशा डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट रिटार्डेशन मिलेगा कभी भी सिमिलर नहीं मिलेगा इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन यूनिफॉर्म और अगर यहीं पर एक ग्राफ ऐसा होता कि ये डिक्रीज़ तो हो रहा है वेलोसिटी है ये ये आपका टाइम है डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही है मतलब यूनिफॉर्म डिसेलरेशन होता यहाँ पर क्या होता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होता सारे पॉइंट्स पे सिमिलरली आपको डिसलेशन uh, और रिटार्डेशन मिलता लेकिन ठीक है बस वो नेगेटिव मिलता आपको ठीक है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने एक्सेलरेशन तो देख लिया कि एक्सेलरेशन कब हमें कैसा मिलने वाला है अब आ जाते हैं हमारे किस पे डिस्टेंस पे कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हुई है तो अगर मैं बात करूँ इन दो पॉइंट्स के बीच की इन दो पॉइंट के बीच की अगर मैं बात करूँ कि भाई मेरे पास में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हुई है वो मुझे बताना है तो कैसे बताएंगे हम इसके अंदर देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ठीक है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो भाई डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है हमारा डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लो इससे वेलोसिटी से हम आराम से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर मैं यहीं पे लिख दू स्पीड तो मैं डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकती हूँ होता क्या है ये तो ये होगा हमेशा एरिया Enclosed. जो एरिया एंक्लोज होगा जो जो कि एंक्लोज एरिया होगा वो क्या होगा आपका वो हमेशा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर वो क्या होगी डिस्टेंस होगी कैसे तो देखो यहाँ पर चेक कर लेते यहां पर देखो क्या है कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है हमेशा यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है फोर्टी है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तो वेलोसिटी फोर्टी हो गई ठीक है यहाँ हमारी वेलोसिटी हो गई फोर्टी अब इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट नहीं पता हमें टाइम कितना हुआ है टाइम चेक कर ले टाइम कितना हुआ है तो देखो एक बार टाइम कितना हुआ है टाइम हुआ है आपका इन दोनों के मिड का चाहिए हमें हमें या जीरो टू सिक्स तो माइनस करना पड़ेगा जीरो टू ट्वेल्व में से तो ट्वेल्व माइनस सिक्स करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा सिक्स ये आ गया हमारा सिक्स एटलीस्ट <coughs> इसका मतलब क्या हो गया हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा देखो सिक्स को ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर दो फोर्टी मल्टीप्लाई बाय सिक्स इट विल बी टू हंड्रेड फोर्टी मीटर ठीक है अब क्या हमने ये नहीं किया कि इसकी जो डिस्टेंस थी जो ये इसकी लेंथ थी ए टू सी और जो ये हमारी लेंथ थी सी टू डी या फिर ए टू बी उनको हमने मल्टीप्लाई नहीं कर दिया बिल्कुल कर दिया यही तो हमने किया है जस्ट हमने लेंथ इनटू टू ब्रेड थी तो किया है इसमें इसका मतलब क्या हो गया ये जो एरिया है जितना भी ये एरिया इंक्लोज है उस एरिया को ही हम क्या कह देते हैं उस एरिया को ही हम कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई देखो हमने एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट किया था तो हमारे पास फॉर्मूला था एक्सेलेशन का सिर्फ ये देखना था एक्सेलेशन पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा यहाँ हमें क्या करना है यहाँ पर हमेशा क्या होगा जब भी आप बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस की इसका मतलब जितना एरिया इंक्लोज हुआ है टू पॉइंट के बीच में वही इसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ठीक है चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे वहां देखो एक बार इसका एरिया कितना है तो इसके जो कॉर्डिनेट्स है कॉर्डिनेट्स कितने हैं है, यहाँ पर है टी टू वी टू कॉर्डिनेट्स आई होप कि आपको पता है क्या होता होता है है ग्राफ के अंदर जब हम पॉइंट 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 किसी point को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्सिस वाला जो होता है, वो पहले आता है y एक्सिस वाला जो होता है वो बाद में आता है उसी को हम क्या कह देते हैं कोऑर्डिनेट कह देते हैं अगर मैं बात करूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की तो यहाँ देखो x एक्सिस पे क्या है सिक्स है यहाँ पर देखो y एक्सिस पे क्या है फोर्टी दैट मीन कि ये क्या हो गया इसका कोऑर्डिनेट हो गया जब हम बात कर रहे हैं टी वन वी वन यहाँ पर टी टू वी टू इसका मतलब है ये क्या होगा टी वन होगा यही क्या हो जाएगा आपका वी वन हो जाएगा ठीक है सॉरी ये क्या होगा आपका टी वन टाइम हो जाएगा ये वाला जो पॉइंट है ये कितना होगा टाइम हो गया पे इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी है वी वन है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है वी टू है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि आपका जो ये कोऑर्डिनेट है ये कितना, T2, आ, V2, कितना हो गया टी टू और वी टू और यहाँ कोऑर्डिनेट कितना टी वन वी वन वी टू यहाँ पर नहीं आएगा ये यह आएगा यहाँ पर बट इस कॉर्डिनेट इस पॉइंट के लिए क्या होगा वी होगा ये ठीक है तो ये क्या है इसके कॉर्डिनेट से अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे इसकी डिस्टेंस बता इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है या फिर डिस्टेंस बताओ तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है द एरिया कवर्ड जितना भी एरिया इंक्लोज हुआ है टू पॉइंट्स के बीच में तो ये अगर टू पॉइंट हमने लिए हैं तो हमने क्या किया कि इनको नीचे नीचे की तरफ मिला दिया ज्वाइन कर दिया आफ्टर ज्वाइनिंग ये क्या बन गया एक ट्रिपेजियम बन गया अब इस ट्रिपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है तो ये ट्रिपेजियम का एरिया हमारे पास होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये होता है हमारा ट्रिपेजियम का एरिया सो नाउ एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होगा देखो हाफ मल्टीप्लाई हाइट इज हाइट कौन सी है ट्रिपेजियम में देखो ये हमारा क्या है ट्रिपेजियम इसकी हाइट कौन सी हो जाएगी दिस वन ओसी ओ सी क्या हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी मल्टीप्लाई तो ट्रेपेजियम को अगर मैं इसको सीधा करके देखूंगी तो मेरे पास पैरेलल साइड्स कौन सी है ओ ए एंड बी सी ओ ए प्लस बी सी ठीक है अब ओ सी का मतलब क्या होता है तो ओ सी का मतलब क्या हो जाएगा देखो टी टू माइनस टी वन होगा ओ सी का मतलब क्या होगा टी टू माइनस टी वन या फिर हम बात करें अगर जीरो से लेके ये तो ये टी टू ही होगा यहां से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है टी टू है बिकॉज तो क्या हो गया? हो गया गया और अगर मैं यहाँ पर देखू तो यहाँ पर देखो ओ ए है ओ ए के बीसी मीन्स क्या हो गया V1. और BC क्या है वी टू ठीक है ये हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल्स में ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा देखो डिस्टेंस आई होप कि अब आप आपको ये तो समझ में आ गया कि हम डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे और हमारा एक्सेलरेशन कैसे पता करेंगे चलिए सो so, यह आपका क्या है अगेन एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसके अंदर देखो एक्सेलरेशन क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्यों है तो यह हमारा टाइम ये हमारी वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है इसका मतलब क्या हो गया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इक्वल वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है एक यूनिफॉर्म वे में इंक्रीज हो रही है चलिए अब अगर मैं आपको कहूँ कि इन दो पॉइंट के मिड में हमें क्या करना है इन दो पॉइंट के बीच का हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इट इज द एरिया एंक्लोज ये जो एरिया है ना ये एंक्लोज है इस ये इसका एरिया क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा या फिर डिस्टेंस हो जाएगा अगेन ये क्या है ये एक ट्रिपेजियम है इस ट्रिपेजियम का हमें क्या निकालना पड़ेगा ट्रिपेजियम का हमें फाइंड आउट करना है हमारा एरिया तो इस का एरिया के लिए अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ मल्टीप्लाई हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स ठीक है इसमें हाइट क्या हो जाएगी ई पैरेलल साइड्स कौन सी हो जाएगी ए e, और बी अब आ जाओ इस ग्राफ पे ये तो हमने देखा है एनसीआरटी के अंदर इसमें भी यही चीज है कि इस एरिया को हमें चेक करना है अगर मैं इस एरिया को बोलू कि मैं ट्रिपेजियम में नहीं मैं तो इसको रेक्टेंगल और ट्राइंगल में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ तो पॉसिबल है कर सकते हो ये जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस को हमने क्या कहा हमने कहा कि भाई ये क्या है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम अब इस एरिया ऑफ ट्रिपेजियम की जगह मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल कौन सा है ये वाला रेक्टेंगल होगा हमारा और ये क्या हो जाएगा ट्राइंगल हो जाएगा ठीक है अगर मुझे इन पॉइंट्स के कॉर्डिनेट uh, चाहिए इन की डिस्टेंस चाहिए ये बी सी की डिस्टेंस चाहिए मुझे तो क्या मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी भाई जीरो टू यहाँ बी तक देखा तो कितना था टेन था जीरो टू सी तक देखा तो कितना है ट्वेंटी मुझे तो कितनी चाहिए बी टू सी जब बी टू सी चाहिए तो हम क्या लिखेंगे ट्वेंटी माइनस टेन लिख देंगे ठीक है आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई है यहां पर हम क्या लिख ट्वेंटी माइनस टेन ठीक है चलिए एक मैं आपको और बताती हूं. एक और कौन सा बताना है देखो यहां पर अगर हम देखेंगे तो मुझे अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टाइम होता है अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू मैं क्या ले रही हूँ मल्टीप्लाई बाय टाइम ले रही हूँ ये भी पॉसिबल है ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है ये भी आपका पॉसिबल है ठीक है तो देखो हमारे पास डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए कितने चीजें आ गई है एक तो हमारा ये फॉर्मूला है जो हमें पता है सेकेंड फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड फार्मूला होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रिपेजियम सेकेंड फार्मूला क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इस ट्रिपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर लो तो भी हमें आंसर मिल जाएगा द थर्ड वन क्या होगा थर्ड वन होगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ठीक है चलिए आई होप कि आपको ये graph समझ में आ गया होगा। किस तरह से से हम 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 करेंगे, करेंगे किस तरह से distance और acceleration हम देखेंगे, तो अब हम next video में इक्वेशंस के बारे में न्यूटन की जो थ्री इक्वेशन uh, है जो कि मोशन की इक्वेशन है अब वो मोशन की इक्वेशन जो है वो किस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से यही चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तब तक के लिए थैंक यू सो मच